हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल महामाया सिलेक्शन में। दोस्तों मैं सागर आज आपको नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस को डील करूंगा, जिसे मैं बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। फ्रेंड्स तो चले चलते हैं नंबर सिस्टम के चैप्टर की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन वन जो है, ये आपके SSC में पूछा गया, 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स देखिए क्या दिया हुआ है, 3^17 3^18 3^19 3^20 3^21। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, क्या पूछ रहा है, डिविजिबल बाय, ये किससे विभाजित होगा। ऑप्शन दिया हुआ है A 13, B 33, C 37 एंड D 19 दिया हुआ है। फ्रेंड्स तो देखिए इसमें क्या करते हैं, फ्रेंड्स इसमें देखिए सब में क्या कॉमन ले सकते हैं, 3/3 कॉमन ले लेंगे अगर, तो क्या बचेगा, 3^0 3^1 3^2 3^3 3^4 इतना बचेगा फ्रेंड्स, ये बच जाएगा ना। अब क्या करेंगे, हम रहने देंगे 3^17 को, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके 3^0 कोई भी के पावर 0 क्या होता है, 1 हो जाता है, +3 +9 +27 +81 इतना हो गया फ्रेंड्स। अब क्या कीजिए, सबको ऐड कर लीजिए, 81 + 9 कितना हो गया, 90 हो गया, 94 हो गया, 94 121 हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। और क्या हो गया, ये हो गया 3^17। ओके अब देखिए आपको ऑप्शन से चेक करना होगा किससे कटेगा, ठीक है। 13 से 21 कटता है फ्रेंड्स, नहीं कटता है, कंप्लीटली खत्म ऑप्शन। 33 से देखते हैं फ्रेंड्स, 33 से अगर 3^17 है, ठीक है, इनटू क्या है 121 है, इसको अगर 33 से हम काटना चाहें तो 33 को हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स इस तरह से, 11 इंटू 3 लिख सकते हैं, 11 इंटू 3 लिखते हैं, 11 से काटे कितना हो जाते हैं 11 बार में, 3 एक नीचे बचा तो यहाँ माइनस करके 3/16 हो सकता है, अगर इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, 16 बचेगा, तो देखिए कट गया ना फ्रेंड्स, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी 33 हो जाएगा। अगर आपको चेक करना है 37 से, तो 37 से 121 कटता है नहीं कटता है, 19 से 121 कटता है नहीं कटता है, तो आपका आंसर ऐसे भी 33 हो गया, ठीक है। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन में देखते हैं फ्रेंड्स, दूसरे नंबर के क्वेश्चन उसी तरह का है कुछ, जिसमें क्या कर सकते हैं, 4^61 को कॉमन हम ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या बचेगा, 4^0 बचा, 4^1 बचा, 4^2 बचा, 4^3 एंड 4^4 बचा। अब क्या करेंगे, 4^61 रहने दीजिए, ये क्या हो गया, 1 + 4 + 16 + 64 और +256 इतना हो गया। अब सबको क्या करेंगे फ्रेंड्स, ऐड कर लेंगे जो बचा हुआ है 4^61 की तरफ, तो क्या हो गया 4^61 और इधर ऐड कीजिए कितना हो जाएगा, 341 हो जाएगा फ्रेंड्स, 341 हो गया। अब देखिए 341 है ना, किससे कटता है उसको देखिए, अगर 3 से काटेंगे तो कटेगा, 3 + 3 नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे कटेगा नहीं कटेगा, लास्ट में 5 रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए तब कटता है। 11 से काट के देखिए फ्रेंड्स 341 को, 341 को 11 से काट के देखिए, 11 3 = 33 11 1 = 1 देखिए फ्रेंड्स 11 से कट जा रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सी आंसर हो जाएगा। देखिए आगे भी चेक कर लेते हैं, 17 से डिविजिबल करके देखते हैं, 17 2 = 34 +1 बच गया, एक रिमाइंडर बच गया, नहीं होगा फ्रेंड्स, 70 से भी नहीं कटेगा, तो आपका आंसर क्या हो गया, सी हो गया, 11 आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे सवालों में हम सबसे पहले क्या करते हैं, कॉमन को निकाल लेते हैं जो सब में है, उस कॉमन को निकालेंगे, जो बचेगा उसको ऐड कर देंगे आपस में, फिर जो ऐड करने के बाद आया उसको डिवाइड करके देखेंगे ऑप्शन के थ्रू कि कट रहा है कि नहीं, अगर कट जाएगा तो वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इसी टाइप से बनाते हैं, इस प्रकार से बनाते हैं, तो आपके जल्दी बन जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप बुक में भी देखिए, आरएस वाले के बुक में भी बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, उससे प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि एसएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं ये नंबर सिस्टम का जो मैंने ट्रिक बताया ये आपको समझ में आया होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन दबाइए कि इस तरह के वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूं। थैंक यू।